Hi guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you, I will give you the best content for boards and NEET. Today we are going to study about a biology NEET paper of 2010 year. So without wasting time, let's get started. Now, first question. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which of the following into fallopian tube? ये जो in vitro fertilization एक technique है, इसमें transfer होता है किस चीज़ का fallopian tube में? यहाँ पे ये question है. तो options are embryo only up to 8 cell stages. Either zygote or early embryo up to 8 cell stages, or embryo of 32 cell stages and zygote only. अब आपने अगर reproductive health पढ़ा है, तो उसके अंदर एक term आता है IVF, जिसका full form होता है in vitro fertilization. और उसके साथ साथ उसको हम test tube baby technique भी बोलते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें फीमेल एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर, और बाद में जब वो पर्टिकुलर जो एग्स जो हम उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं उनको, फिर जब वो एग्स फर्टिलाइज होकर जायगोट बन जाते हैं, किसी किसी में वो लोग क्या करते हैं, किसी किसी फीमेल में वो जायगोट को डायरेक्ट इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में, या फिर किसी केस में वो करते हैं, कुछ केसेस में वो उस जायगोट को एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होने का वेट करते हैं. जब वो जायगोट 8 सेल तक डेवलप हो जाता है, तब उस एम्ब्रियो को वो उस पर्टिकुलर फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं. इसे कहा जाता है ज़िफ्ट, मतलब जायगोट इंफ्रा फलोफियन ट्रांसफर. तो इसका आंसर हो जाएगा B1, either zygote or an early embryo up to 8 stages. में ये होता है कि या तो वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर्स जो उस चीज़ के उस फील्ड के हैं, या तो वो जायगोट को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे, या वो कुछ टाइम का वेट करके जब एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज का हो जाएगा तब उसको वो फलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे? अगर दो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा सबसे इफेक्टिव पाथवे होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है. ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस आर प्लास्मोडेस्मेटा, प्लास्मोक्यूनॉन्स, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड प्लास्मालेमा. अब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा A1. ऐसा क्यों है, तो ये जो दो एडजेसेंट सेल्स होती हैं इनके अंदर जाते जितनी भी सेल्स हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं. तो दो सेल्स के बीच में ये जो साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्ट होता है वो कुछ पोर्स से चलता है, और जो पोर्स होते हैं वो इनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स के अंदर ये प्लाज्मा और डेस्मेटा जो है वो प्रेजेंट होता है. सो द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स कम्युनिकेट थ्रू द पोर्स बाय द मीन्स ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. और दो सेल्स के बीच में, जैसे कि ये हमारी दो सेल्स हैं, तो इन दो सेल्स के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है उसे कहा जाता है प्लास्मोडेस्मेटा. प्लास्मोडेस्मेटा का काम होता है कि ये फ्लूड्स को और सॉल्यूट्स का एक से दूसरी सेल में उनका सर्कुलेशन कराता है. सो ऑप्शन इज दी A1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन. सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किस में आते हैं, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है. ऑप्शंस आर प्रोटिस्टा, फंजाई, आर्की एंड मोनरा. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा A1. बिकॉज प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, बिकॉज फंजाई जो है वो तो मल्टी सेलर होती है, आर्की जो है वो एक बैक्टीरिया होता है इसलिए ये प्रोकैरियोट है, और मोनरा भी एक बैक्टीरिया होता है इसलिए ये भी प्रोकैरियोट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड GM ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर. इंडिया में ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बना है इसको डेवलप किया गया किस चीज़ के लिए. ऑप्शंस आर इंसेक्ट रेसिस्टेंस, एनहांसिंग सेल्फ लाइफ, एनहांसिंग मिनरल कॉन्टेंट, ड्रग रेसिस्टेंस.
तो अगर इंडिया में मोस्टली जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बनते हैं, मोस्टली इसलिए बनते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एक इंसेक्ट के अगेंस्ट, पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट वो रेसिस्टेंस बना सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा A1, इंसेक्ट रेसिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिलोक्युलर ओवरी विद ए सिंगल ओव्यूल द प्लासेंटेशन इज, अगर ओवरी यूनिलोक्युलर है, अगर ओवरी यूनिलोक्युलर है तो उसके फ्लावर को कहा जाता है, तो उसके फ्लावर को क्या कहा जाएगा, उस अगर कोई ओवरी यूनिलोक्युलर है तो वो बेसल प्लासेंटेशन शो करेगी। ये आपको खुद से याद रखना है कि अगर कोई ओवरी यूनिलोक्युलर है मतलब उसके अंदर सिर्फ सिंगल ओव्यूल है तो वो बेसल प्लासेंटेशन जो है वो शो करेगी। ऑप्शंस क्या हैं, जैसे अभी किस में मिलता है, तो ये जो बेसल प्लासेंटेशन है वो हमें मैरीगोल्ड में देखने को मिलती है। तो आंसर इज दी B1, बेसल प्लासेंटेशन। एन एलिमेंट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक ऐसा एलिमेंट जो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत ही ईजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर मोलिब्डेनम, कॉपर, मैगनीज एंड जिंक। सो आंसर इज दी मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स हमको कहाँ मिलती हैं। ऑप्शंस आर ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, एटल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रेनालिन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन। सो आंसर इज दी C1। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन आप बोल रहे हैं कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं क्या वो हमें ओवरीज से मिलती हैं। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो मेल से रिलेटेड होती हैं इसलिए ये फीमेल्स में नहीं मिलती हैं। ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं और ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ बोल रहे हैं कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं और सिक्रेट करती हैं एड्रेनलिन। ये भी बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये गोनेड्स में प्रेजेंट होती हैं और ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है ये किडनी का पार्ट होता है जिससे एड्रेनलिन जो है वो सिक्रेट होता है। ये भी रॉन्ग है बिकॉज ये जो एड्रेनलिन है वो एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम मेंडल लॉ के बेसिस पे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, स्टेटमेंट को दिखाएं तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो क्या चीज़ है। सो ऑप्शंस आर द डिसीक्रेट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड ए फैक्टर। ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर छोटी सी यूनिट जो कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है उसे कहा जाता है फैक्टर, मतलब कि जीन। मेंडल ने सबसे पहले फैक्टर्स, जीन्स को फैक्टर कहा था। तो ये बिल्कुल सही है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, ये जीन्स के जो पेयर होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे जो जीन है ये है फर्स्ट जीन, ये है सेकेंड जीन, तो ये एक जीन का पेयर है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। इन्होंने कहा था एक जीन जो है वो डोमिनेंट होता है और एक जीन जो है रिसेसिव होता है। बिल्कुल सही है ये भी। एलीस डू नॉट सो ब्लेंडिंग, एलीस डू नॉट सो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज इन F2 जनरेशन। इन्होंने कहा था ये जो एलीस होती हैं ये आपस में मिक्स नहीं होती, मन की मतलब इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसमें से जो डोमिनेंट एली होगी वो अपना पूरा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन लेके आती है। लास्ट क्या था यहाँ पे, फैक्टर्स और इन पेयर ऑन कहा था, जीन्स जो है पेयर में आते हैं, ये भी सही है। बट इसका अगर हम आंसर ढूंढें तो इसका आंसर हो जाएगा C1 बिकॉज ये चीज़ रॉन्ग है। मेंडल कहा था कि मेंडल ने सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था और कहा था कि जो पर्टिकुलर डोमिनेंट जीन है वही हमेशा F2 रेशियो में अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन लेके आएगा, दोनों जीन्स की जो ब्लेंडिंग है वो नहीं होती है। जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था ये यूनिवर्सली अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज
बहुत से केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्लियर डेविएशंस देखे गए हैं, लाइक इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इन द कोडोमिनेंस। ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो देखा गया है 4 o'clock प्लांट में, जिसमें कलर्स की ब्लेंडिंग जो है वो देखी गई है। अब अगर बात करें कोडोमिनेंस की, तो ये जो कोडोमिनेंस होता है वो ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप्स में देखी गई है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के 3 एलील्स जो हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और वो सब अपना डिफरेंट अपना जो फीनोटाइप एक्सप्रेशन है वो शो करते हैं। इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक डेविएशन था मेंडल्स के लॉ का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं सिट्रस में अराइज करते हैं कहाँ से। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज हैं ये क्या हैं। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज मतलब ऐसे एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, लाइक इन सिट्रस। सिट्रस में होती है एपोमिक्सिस, जिसमें मियोसिस एंड सिंगैमी एब्सेंट होती है, और इसके बाद भी उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और जिससे उनमें एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो हैं अब डेवलप होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सिट्रस में आकर ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज बनते हैं ये कहाँ से बनते हैं। सो ऑप्शंस आर सिनर्जिड्स, मैटर्नल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल, एंटीबॉडल सेल्स एंड डिप्लॉइड एग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा B1, मैटर्नल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल। बिकॉज ओव्यूल वहाँ प्रेजेंट, वहाँ पे सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होती है, अगर पर्टिकुलर सिट्रस जो है फीमेल पार्ट में बन रहा है तो वहाँ पे सिर्फ फीमेल का ही मैटर्नल स्पोरोफाइटिक टिश्यू का, इसलिए सिट्रस जो है इस पार्ट से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड डेट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। यहाँ पूछ रहे हैं एक ऐसे एनिमल के बारे में बताओ जिसकी जो ओपनिंग है माउथ की और एनस की वो सिंगल है, वो एक ही है। सो ऑप्शंस आर ऑक्टोपस, एस्टेरियासिस, एसिडिया एंड फेस्यूला। आंसर इज द फेस्यूला, और ये बिलोंग करता है प्लेटीहेलमिंथेसिस से, इसको हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। अब इसमें से हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, barbiturates when given to criminals make them tell the truth, ये wrong है। morphine is often given to patients persons who have undergone surgery as a painkiller। now next, chewing tobacco lowers blood pressure and heart rate, तो बिल्कुल ही wrong है। cocaine is given to patients after surgery as it stimulates recovery, ये भी wrong है। तो इसका आंसर हो जाएगा B1, मॉर्फिन जो है वो पेन को कम करती है, ये किसी ड्रग है जो मतलब पेन का इफेक्ट जो है पर्सन को कम देती है, इसलिए ये एक पेन किलर तरह काम करती है आफ्टर सर्जरी आफ्टर ऑपरेशन। तो ये जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्टेड ब्लू आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज 1 to 4 एंड 4 जम्ब्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट। यहाँ पे इन्होंने रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को लिखा है लाइन में, और लिखा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को। रेसिडुअल वॉल्यूम 2500 मिलियन, वेटल कैपेसिटी 3500 मिलियन, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1200 मिलियन एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज 4500 मिलीलीटर। तो अब हमको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द 2 कैपेसिटीज एंड द वॉल्यूम। अब हमें इसमें करेक्ट जो है बताना है, तो करेक्ट इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C1, 3500 ml टू 1200 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम के कौन से वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शंस आर वेसल्स, फाइबर्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एंड ट्रेचेट्स। तो जाइलम और फ्लोएम में जो जाइलम एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका नेम होता है ट्रेचेट्स, जो उनमें वाटर का कंडक्शन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1। रिंग वॉर्म इन ह्यूमन्स इज कॉज्ड बाई, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। ह्यूमन्स में रिंग वॉर्म किससे होता है,
तो रिंग वर्म जो होता है वो एक क्लास होता है फंगस का, और ये होता है एक फंजाई से. तो आंसर इज दी बी वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट. इसमें बताना कि कौन सा इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है. ऑप्शंस आर मोलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीज एंड बोरॉन. आंसर इज द मैग्नीजियम. मैग्नीजियम जो है वो एक तरीके का मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, तो प्लांट को हाई अमाउंट में चाहिए होता है, बिकॉज मैग्नीजियम और आयरन जो होते हैं एक साथ प्लांट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमको नहीं मिलती हैं किसमें. ऑप्शंस आर सैक्रोमाइसाइट्स, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लियोमाइडेमोनास एंड प्लास्मोडियम. अब यहाँ पे पहले दे रहे हैं सैक्रोमाइसाइट्स. जो सैक्रोमाइसाइट्स हैं ये एक तरीके की फंगस होती है, इसलिए इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो हमें मिलती ही हैं. सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, वो भी ग्राम पॉजिटिव. एंड सेकेंड वन क्या है, सेकेंड हमारा सी वन है क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जो है एक तरीके की ये थैलॉइड प्लांट होता है, और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स तो मिलती ही हैं. लास्ट वन इज द प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम एक प्रोटिस्ट है, इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स मिलती हैं. बट आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं मोस्टली बैक्टीरिया, उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है. सो आंसर इज दी बी वन, स्ट्रेप्टोकोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसा इन्फ्लुएंशिया आर दी डक्टिवल्स लीडिंग फ्रॉम. ऑप्शंस आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रिटेड टेस्टिस, रिटेड टेस्टिस टू वेस इन्फ्लुएंशिया एंड वेस इन्फ्लुएंस टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा. तो इसका आंसर हो जाएगा बी वन. ऐसा क्यों है कि जो वैसे फ्रेंशिया होते हैं वो डक्टिवल्स होते हैं जो कि निकलते हैं रिटेड टेस्टिस से वैसा डिफरेंस की तरफ. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो रिटेड टेस्टिस होता है वो एपिडर्मिस से ज्वाइंट होता है. ये जो रिटेड टेस्टिस अंदर प्रेजेंट होता है वो एपिडर्मिस से ज्वाइंट होता है विद द हेल्प ऑफ वैसा एफ्रेंशिया. ये वैसा एफ्रेंशिया के हेल्प से ये एपिडर्मिस से जुड़ा होता है, और फिर ये जो काम करता है स्पर्म्स को कलेक्ट करने का. जब रिटेड टेस्टिस स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर उसको वैसा एफ्रेंशिया की हेल्प से एपिडर्मिस में भेज देता है, और फिर ये जो एपिडर्मिस है उन स्पर्म्स को वेस्ट डिफरेंस में भेज सकता है. और जब ये वेस्ट डिफरेंस जो ऊपर ऊपर तरफ प्रेजेंट होता है, ऊपर साइड जाता है, जब ये स्पर्म्स वेस्ट डिफरेंस से पहुंच जाते हैं, फिर वो बाद में उसको यूरेथ्रा तक ले जाते हैं. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शंस क्या हैं. बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाई द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन न्यूट्रिमेंट ऑफ कैटल. बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज अ प्योर मीथेन. एक्टिवेटेड स्लग सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए राइट सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बाकी जो है ये तीनों ही रॉन्ग हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट दी टू स्टेटमेंट आउट ऑफ फोर गिवन बिलो अबाउट लेग ऑपेरॉन. अब यहाँ पे ये जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं वो लेग ऑपेरॉन के बारे में दिए गए हैं, और हमें इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको चूज करना है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट. ये रॉन्ग है. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन. जब लैक्टोज एब्सेंट होता है लेग ऑपेरॉन में, तो ये जो रिप्रेसर होता है जुड़ जाता है जाके ऑपरेटर रीजन से. ये बिल्कुल सही है. द जेड जीन कोड फॉर परमेज, ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है. लास्ट वन क्या है, दिस वॉज एलुसिडेटेड बाई फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैकोस मुनाद. ये सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वन. टू एंड फोर्थ, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, बाकी जो हैं वो रॉन्ग हैं. कील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर्स ऑफ. कील जो है वो कौन से किसके फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन आर गुलमोहर, कैशिया
कलरट्रॉप्स एंड बीन. सो आंसर इज द बीन. अब ऐसा क्यों है? तो बीन जो है वो बिलोंग करती है लेग्यूम फैमिली से, और लेग्यूम फैमिली में जो फ्लावर्स की पेटल्स का अरेंजमेंट होता है उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को कहा जाता है कील. इसलिए कोई भी फ्लावर अगर लेग्यूम फैमिली का है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कील टाइप होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज. ब्लड वेसल्स की जो इनर वॉल होती है वो कौन से टाइप की एपिथेलियम से बनी होती है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्क्वेमस एपिथेलियम. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी वन, स्क्वेमस एपिथेलियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए. अब हम बताना है इसमें से देख के कि किसके पास में किसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम एंड पर ऑक्सीजोम. सो आंसर इज द माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो सेमी ऑटोमस ऑर्गेनली होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड. जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, मतलब सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पे अगर जब एंथर पहुँचते हैं तो उसे कहा जाता है. ऑप्शंस आर जीनोगैमी, ग्यूटनोगैमी, कारियोगैमी एंड ऑटोगैमी. तो इसका आंसर हो जाएगा ग्यूटनोगैमी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ. वायरल टेस्ट को यूज़ किया जाता है कौन से डिसीज के डायग्नोसिस के लिए? ऑप्शंस आर मलेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसाइट्स एंड टाइफाइड. तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस को पहचानने के लिए जो लेबोरेटरी वाले जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस ये जो वायरल टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं किसी को पर्टिकुलर ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं वो जानने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजरी टू एडरेनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट द सीक्रेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर एल्डोस्टेरोन, बोथ एंड्रोएस्ट्रोजन एंड डिहाइड्रोपियंड्रोस्टेरोन एंड एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वन, एड्रेनलिन. बिकॉज ये जो एड्रेनलिन है ये एड्रेनल मेडुला से निकलता है इसलिए इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर एडरेनल कॉर्टेक्स पे इंजरी होती है तो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड्स मे बी कॉज ऑफ. अगर बॉडी में लो कैल्शियम लेवल है तो ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस आर टैटनी, एनीमिया, एंजिना पेक्टोरिस एंड गाउट. तो इसका आंसर हो जाएगा टैटनी. अगर बॉडी में लो कैल्शियम लेवल है तो टैटनी वजह से होता है. टैटनी क्या है? टैटनी तब होती है जब बॉडी में पैरा हार्मोन कम निकलता है. पैरा हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड का पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड का एक उसी के पास में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे कहा जाता है पैरा थायराइड ग्लैंड. उसमें से पैरा हार्मोन निकलता है और जब वो कम निकलता है तो उसके हाइपोसिक्रेशन से बॉडी में टैटनी हो जाती है. इसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेज्ड. यहाँ पे दे रखा है शुगर से रिलेटेड कुछ हमारे हॉर्मोन्स को, यहाँ दे रखा है उनके सोर्सेस को कि ये कहाँ से निकलते हैं. अब हमें यहाँ पे जो इनकरेक्टली सोर्स है उसे ढूंढना है. इसका आंसर क्या होगा? यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो ग्लूकागॉन है ये निकलता है बीटा सेल से, सोमेटोस्टेटिस निकलता है डेल्टा सेल से, ये भी सही है. कॉर्पस ल्यूटियम इज सिग्रेटेड फ्रॉम द रिलैक्सिंग सेल्स, ये भी सही है. इंसुलिन इज सिग्रेटेड फ्रॉम द डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस जो है इससे डायबिटीज मेलाइटस होती है, ये भी सही है. तो इसमें से ऑप्शन रॉन्ग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वन, बिकॉज ग्लूकागॉन जो है वो बीटा सेल से नहीं निकलता है, वो निकलता है अल्फा सेल से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस. पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को.
टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर रिकॉम्बिनेशन. जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस. जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर कॉम्बिनेशंस. ऐसे टाइटली लिंक्ड वंस. Tightly linked genes on the same chromosome so very few recombination. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा D1. Now next question. Which one of the following statements in regard to the excretion by the human kidney is correct? इसमें से कौन सा statement human kidney के लिए सही है? पढ़ते हैं statements को. क्या है? Descending lymph of loop of Henle is impermeable to water. Distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing HCO3. Nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubule. Ascending lymph of loop of Henle is impermeable to electrolytes. इसका आंसर हो जाएगा C1. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बाकी जितने बचे हुए हैं वो सभी रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड द अर्ग फॉर ईटिंग आर कंटेंड इन. ऐसे नर्व सेंटर्स जो हमारी भूख को और हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शंस आर हाइपोथैलेमस, बोन्स, सेरेबेलम एंड थैलेमस. ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये इसे कहा जाता है फ्लोर ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का फ्लोर होता है जो कि एक तरीके से पार्ट होता है फोर ब्रेन का. इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सीक्रेट करना और बॉडी के टेम्परेचर को और हमारी जो अर्ग है ईटिंग की उसको कंट्रोल करना. तो इसका आंसर हो जाएगा A1, हाइपोथैलेमस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Biomass available for consumption by the herbivores and decomposer is called. Options are net primary productivity, second productivity, standing crop and gross primary productivity. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा net primary productivity. Now next question. If due to some injury the chordae tendi of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional, what will be immediately effective? अगर ह्यूमंस में जो ह्यूमन हार्ट में जो कॉर्डाई टेंडाई प्रेजेंट होती है कुछ इंजरी की वजह से अगर वो सही से अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है तो कौन सी चीज़ तुरंत ही इफेक्ट हो जाएगी? ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऑप्शंस क्या है इसमें? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आयोल्टा विल बी स्लो डाउन. द पेसमेकर विल स्टॉप वर्किंग. The blood will tend to flow back into left atrium. The flow of blood into pulmonary artery will be reduced. तो इसका आंसर हो जाएगा D1. ये इसलिए है बिकॉज जब कॉर्डाई टेंडाई इस पर इंजरी होगी तो ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में उसका जो फ्लो है वो बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ये जो कॉर्डाई टेंडाई होती है वो पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट पास में ही प्रेजेंट होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन द फ्लावर्स ऑफ. ओवरी कौन से फ्लावर्स में हाफ इन्फीरियर होती है? ऑप्शंस आर गवावा, प्लम, ब्रिंजल एंड ककुम्बर. हाफ इन्फीरियर मतलब जिसका ओवरी इसी मतलब ये हमारी ओवरी है और ये हाफ इन्फीरियर से ये जो ये प्लांट है ये प्लांट का जो फ्लावर है उसकी ये पेटल्स हैं तो पेटल्स के अंदर जो ओवरी है वो बिल्कुल बीच में आती है. बिल्कुल ये जो है पेटल्स बिल्कुल मिडल पार्ट में जाएगी. पेटल्स से ओवरी छोटी रहेगी और वो बीच में सेंटर में आएगी. तो ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है पेरीजाइनस फ्लावर और पेरीजाइनस फ्लावर की जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है जैसे कि प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज, पीच में इस टाइप की जो ओवरी है वो देखने को मिल जाती है. सो आंसर इज दी B1, प्लम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स. हायर ऑर्गेनिजम्स में जीन्स को क्लोन करने के लिए हम किसको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं? ऑप्शंस आर बैक्यूलोवायरस, सेल्मोनेला टाइफिडियम एंड राइजोपस निग्रियम एंड रेट्रोवायरस. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस बिकॉज ये जो रेट्रोवायरस होता है वो एक RNA कंटेनिंग वायरस है जो कि डिजायरेबल जीन्स को ह्यूमन की सेल्स में आसानी से पहुँचाता है.
The one aspect which is not a silent feature of genetic code is its being. Options are degenerator, ambiguous, universal, and specific. इसका आंसर जाएगा स्पेसिफिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सीटु कंजर्वेशन. में से कौन सा एक्स सीटु कंजर्वेशन का एग्जांपल है. ऑप्शंस क्या है. ऑप्शंस आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन सीटु का होता है, सीड बैंक, सिक्योर्ड ग्रोव्स, एंड नेशनल पार्क. इसका आंसर क्या हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा सीड बैंक. जो सीड बैंक होते हैं वो एग्जाम्पल होता है एक्स सीड कंजर्वेशन का, बिकॉज सीड बैंक जो होते हैं वो इनके जो हैबिटेट है उससे अलग बनाया जाता है. सो आंसर इज द बी वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडल बाई सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इनमें से कौन से पैलिंड्रोमिक बेस को हम आसानी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कर सकते हैं. ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शंस यहाँ ए में दे रहे हैं, 5-3 में है, CGTTCG, 3-AT-GGTA-5, 5-GATATG-3, 3-CTACTA-5, 5-GTATTC-3, 3-CTTAAG-5, 5-CACGTA-3, 3-CTCAGT एंड 5-. तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा C1. इसका आंसर होगा C1 जी, बिकॉज इसको यहाँ से कट करना जो है वो बहुत आसान है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एड्स. एड्स के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को. द एच आई वी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. यहाँ बोल रहे हैं कि जो एच आई वी है, ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, वो फैल सकता है अगर हम कोई एड्स वाले पर्सन के साथ में खाना खाएंगे. तो ये बिल्कुल रॉन्ग है. ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू एच आई वी इन्फेक्शन. यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो ड्रग से एडिक्टेड हैं उनके अंदर HIV होना, जो उनके अंदर HIV इन्फेक्शन होना बहुत ही रेयर है. ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन. अगर हम सही से उनका केयर करें, अगर हम एड्स पेशेंट का सही से केयर करें तो वो सही से बिल्कुल क्योर हो सकते हैं. ये भी बिल्कुल रॉन्ग है. लास्ट क्या है, द कॉजेटिव एच आई वी रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट थस रिड्यूसिंग देयर नंबर. हम बोल रहे हैं कि जो कॉजेटिव एच आई वी रेट्रोवायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट्स में पहुंच जाता है और उनके नंबर को धीमे धीमे रिड्यूस करने लगता है. सो इसका आंसर हो जाएगा D1. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्शन आर जिब्रेलिन, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनेंस एंड ऑक्सीजन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जहाँ पे प्लांट में प्रेजेंट होगा, प्लांट का ये जो फोटोट्रॉपिक कर्वेचर है उसी साइड वहाँ पे ये जो प्लांट है पर्टिकुलर वो झुक जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर बिलो इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. व्हाट डू ए बी सी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली. तो ये एक का ग्राफ है ऑर्गेनिज्म्स का जो ए बायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में ये कंडीशन शो कर रहे हैं. ये है ए वाला जो कि बिल्कुल इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, और बी वाला ये है ये इसको स्किप कर रहा है, और ये जो सी वाला है ये पार्शली इसको फॉलो कर रहा है फिर इसको स्किप कर रहा है. ये है सी. तो अब बताना है हमें इनका आंसर कि ये कौन सी ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शंस देखते हैं यहाँ के. ऑप्शंस आर फर्स्ट इज कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, कन्फॉर्मर एंड पार्शियल रेगुलेटर. इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज जो ए वाला है वो रेगुलेटर है, वो दोनों ही कंडीशन में मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल से ये रेगुलेट कर पा रहा है एबायोटिक फैक्टर्स को. बात करें बी वाले की तो बी वाला है कन्फर्मर. कन्फर्मर जो होता है वो इसको स्किप कर रहा है
और सी क्या है, सी वाले हैं पार्शियल रेगुलेटर्स, जो इसको पार्शियली रेगुलेट कर रहे हैं और फिर इसको स्किप कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं और फ्री लिविंग हैं किस में। ऑप्शंस आर मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस एंड स्फेगनम। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा D1, स्फेगनम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज इज। चाइना रोज का जो एंड्रोशियम होता है उसको हम पर्टिकुलर कौन सा टेक्निकल टर्म देते हैं। ऑप्शंस अमोनियोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएंड्रस एंड पॉलीअडेल्फस। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा A1, मोनोडेल्फस। बिकॉज चाइना रोज में स्टैमेंस जो होते हैं वो एक ग्रुप में सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है मोनोअडेल्फस। बिकॉज ए ग्रुप ऑफ स्टैमेंस इज कॉल्ड मोनोअडेल्फस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एनवेलप इज नॉन एज। वायरस का जो बाहर का एनवेलप होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस आर कैप्सिड, वायरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड कोर। सो आंसर इज द कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। ये जो एमनियोसेंटेसिस होती है इसका गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए इसको बनाया है। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, डिटेक्टिंग द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फाइटस, जो बच्चा अभी तक पता नहीं हुआ है जो अनबॉर्न फाइटस है उसका जेंडर जानने के लिए। बी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। सी क्या है, सी यहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस ऑफ ए सरोगेट मदर, यहाँ पे एम्ब्रियो का यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए, या डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस होती है ये एक ऐसी टेक्निक क्यों है जहाँ पे हम क्रोमोसोम नंबर को जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो अनबॉर्न फाइटस है उसका क्रोमोसोम नंबर कैसे क्या है। और इसको इसलिए ही यूज़ किया जाता है कि ये जानने के लिए कि वो जो फाइटस है वो बिल्कुल हेल्दी है कि नहीं, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D1, एमनियोसेंटेसिस जो है वो लीगल है बट सिर्फ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को जानने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियस बिगेन टू डिसअपीयर एट। ऑप्शंस आर लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज एंड अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज के टाइम पे ER और न्यूक्लियस जो हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। एक ऐसा हमको बताना है इंडियन बैक्टीरिया का जो फ्री लिविंग है, मतलब जो सिम्बायोटिक नहीं है और जो बिना ऑक्सीजन के रह लेता है, जो एनारोबिक भी है। ऑप्शंस के ऑप्शंस आर बेजर्निका, रोडोस्पायलम, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर। सो आंसर इज दी रोडोस्पायलम, बिकॉज राइजोबियम जो होता है सिम्बायोटिक होता है एंड एजोटोबैक्टर होता है, ये हमको मोस्टली मिलता है पैडी फील्ड्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA और RNA सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर वेक्टर, प्रोब, क्लोन एंड प्लास्मिड। अगर हम कोई भी DNA और RNA के सेगमेंट में कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं तो उस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रोब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस आर इंडस्ट्री मैनलिज्म, कनेक्टिंग लिंक, एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो आंसर इज दी एडेप्टिव रेडिएशन, बिकॉज ये जो डार्विन की फिंचेस थी इनका बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप का जो अडेप्टेशन हैं वो देखने को मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल्स फॉर पार्टीशन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ऑप्शंस आर प्लासेंटा, ओनली प्लासेंटा एज वेल एज ए फुली डेवलप्ड फाइटस। ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, फुली डेवलप्ड फाइटस ओनली। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटा एज वेल एज ए फुली डेवलप्ड फाइटस। जब पार्टीशन का टाइम आ जाता है तो ये जो सिग्नल्स होते हैं पार्टीशन के वो प्लासेंटा और फाइटस दोनों से ही मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं हम इन ऑप्शंस को, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2,
दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, बिल्कुल रॉन्ग है. दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली एंड रेस्ट 20% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्ट इन डिजॉल्व स्टेट इन ब्लड प्लाज्मा. दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल. ये भी रॉन्ग है. अब बात आती है कि इसका आंसर क्या है. इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज ये जो ह्यूमन्स की RBC होती हैं वो ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 को कैरी करती हैं, वो भी 20 से लेकर 25% तक. नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर A and B. सो अब हमें ये फिगर देख बताना है कि कौन सी सेल स्टेज है. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है मेटाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, लेट एनाफेज, प्रोफेज एंड प्रोफेज एंड एनाफेज. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C1, लेट एनाफेज एंड प्रोफेज. ये जो A1 है ये लेट एनाफेज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, और बी वाला जो है ये एक प्रोफेज का स्टेज है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन एरेना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज. सेल में जो वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ चलती हैं उनका मेन रीजन क्या होता है, मतलब सेल में कहाँ पे वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ मोस्टली चलती हैं. ऑप्शंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. आंसर इज दी साइटोप्लाज्म. ये पूरी सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये पूरी जितना भी फ्लूड है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर सेल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पेरीफील्ड इज. पेरीफील्ड्स में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ऑप्शंस आर राइजोबियम, एजोस्पर्म, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रेंग. या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा B1. ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है. आंसर इज दी एजोस्पर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एस्पिरेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड. जो नाइट्रोजनस एस्पिरेटरी कंपाउंड ह्यूमंस में होता है वो कहाँ बनता है? ऑप्शंस आर इन किडनी, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू लिवर. इन किडनी एज वेल एज एलिमिनेटेड बाय किडनी, इन लिवर एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम थ्रू बाइल. इन द लिवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा D1. आप सबको पता होगा कि ह्यूमंस में जो नाइट्रोजनस एस्पिरेटरी कंपाउंड होता है उसका नेम होता है यूरिया, और यूरिया जो होती है सबसे पहले बनती है लिवर में विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल. वहाँ बनने के बाद में हमारी किडनी जो है उस यूरिया को पर्टिकुलरली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है. आंसर इज इट D1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरियर आयंस लाइक Na+ फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस. लाइक जो कैरियर आयंस होते हैं लाइक Na+, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कौन से सब्सटेंसेस का. ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस आर अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल एंड फैक्टोज एंड सम अमीनो एसिड. तो आंसर इसका होगा अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, बिकॉज Na+ जो होते हैं वो इन्हीं का एब्जॉर्प्शन करते हैं मोस्टली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following symbols and its representation is used in human pedigree analysis is correct. यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो साइन दिए गए हैं इनका जो मीनिंग है वो सही है कि नहीं है वो हमको बताना है. तो यहाँ पे ये इस सिंबल का मतलब क्या है? यहाँ मतलब है कि जब रिलेटिव्स के बीच मैटिंग होती है, अगर सिंगल ओ है इसका मतलब होता है ये मेल है अनअफेक्टेड है, अगर क्यूब टाइप स्ट्रक्चर है तो मतलब जो फीमेल है अनअफेक्टेड है, अगर वो इस टाइप में है शेडेड मेल है तो इसका मतलब मेल अफेक्टेड है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज बाकी जो है ये सब रॉन्ग है. जीरो ये जो स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया जाता है फीमेल के केस में, और ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको यूज़ किया जाता है मेल के केस में. नॉन एस क्वेश्चन. विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस 1 to 4 यूजुअली टेंड टू ऑकर इन द प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई अल्टीट्यूड एंड मोर. यहाँ क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं और फिर वो अचानक ऐसे एरिया में पहुँच जाते हैं जो कि मतलब उसका एल्टीट्यूड बहुत हाई है लाइक माउंटेन एरिया, तो जब लोग प्लेन से माउंटेन एरिया में पहुँच जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या है? इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज,
increase in red blood cell production, increased breathing rate and increase in thrombocyte count. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा A1, बिकॉज जब लोग माउंटेन एरिया पहुँचते हैं तो उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उनका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विद थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कभी कभार बॉडी के थायरॉक्सिन के साथ जब इंटरफेयर कर जाते हैं तो उनसे हो सकता है डेवलपमेंट किसका. ऑप्शंस आर टॉक्सिक गोइटर, क्रिएटिनिज्म, सिंपल गोइटर एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. आंसर इज द टॉक्सिक गोइटर. टॉक्सिक गोइटर नहीं, उससे एक्चुअल हो जाता है सिंपल गोइटर. टॉक्सिक गोइटर तब होगा जब आपको पर्टिकुलर कोई हार्मोन से रिलेटेड डिसीज होगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन आवर गॉब्लिन सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली इफेक्ट. अगर कुछ रीजंस की वजह से हमारे जो गॉब्लेट सेल्स हैं जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं अगर वो इफेक्ट हो जाए, अगर वो काम करना बंद करते हैं तो क्या होगा. ऑप्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन्स, सीक्रेशन ऑफ सेबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड, मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म्स, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन में जो ये जो स्मूथ मूवमेंट होता है फूड का, ये ऐसा नहीं हो पाएगा बिकॉज म्यूकस अगर स्टोमच में प्रेजेंट नहीं होगा तो म्यूकस के बिना फूड का जो स्मूथ मूवमेंट चलता है इंटेस्टाइन में और स्टोमच में ऐसा नहीं हो पाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली, अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मतलब हमारी जो सेल वॉल होती है ये मोस्टली बनी होती है किससे. ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बायलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन ए कार्बोहाइड्रेट बायलेयर. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B1, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं एम्बेड रहते हैं एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर लाइक स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्पंजिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन के लिए. हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को. पेंगुइन इज अ होमियोथर्मिक बाइल, द रिमेनिंग थ्री आर पैक्लोथर्म्स, लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म बाय ऑल अदर अमेराइन, स्पंजिला हैज अ स्पेशल कॉलर सेल्स कॉल्ड कॉइनोसाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री, ऑल आर बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल. अब हमें ढूंढना है इसका आंसर. इसका आंसर हो जाएगा C1. स्पंजिला में स्पेशल कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है कॉइनोसाइट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फॉयटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी के कौन से मंथ में हमें फॉयटस का सबसे पहले मूवमेंट और उसके हेड पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाता है. ऑप्शंस आर फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ एंड थर्ड मंथ. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ मंथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्यूटेलम ऑब्जर्व इन ए ग्रेन ऑफ वीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलेडॉन. आंसर क्या है? ऑप्शंस आर कोटिलेडॉन, एंडोस्पर्म, एंड्रॉन लेयर एंड फ्लिम्यूल. इसका आंसर हो जाएगा कोटिलेडॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. मीन्स कौन से एनिमल ऐसे हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मतलब जिनकी बॉडी में एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट होती हैं. ऑप्शंस क्या हैं? फ्लैटवर्म्स, स्पंजेस, टीनोफोर्स एंड कोरल्स. कोरल्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में तीनों ही लेयर्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट. अब हमें जो एनी पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उस एनिमल के लिए सही दिया गया है. राउंडवर्म्स लाइक एस्लोमिंथेसिस आर सिरोसिलोमेट्स, मॉलस्क आर एस्लोमेट्स, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ बोल रहे हैं इंसेक्ट आर सिरोसिलोमेट्स, फ्लैट वॉर्म लाइक प्लेटिकल मिंथेसिस आर स्लोमेट्स. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा A1. राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो रियलिटी में
स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, इनकी बॉडी में फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसको हम बोलते हैं कॉपर टी, इससे क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? मेक यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन, क्या इससे यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है? इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, क्या ये इन स्पर्म्स को थाता है? सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, क्या स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको ये दबा देता है, ख़त्म कर देता है? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन होने से बचाता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ये यूट्रस को ऐसा कर देता है कि जिससे जो पर्टिकुलर फीमेल है उसमें कभी भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा और वो जो है कभी भी प्रेगनेंट नहीं हो पाती है कॉपर टी यूज़ करने पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सब्सट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड, ऑप्शन आर ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, आंसर इज द फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर एंजाइम्स विच, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऐसे एंजाइम्स हैं जो करते हैं क्या? अब ऑप्शन क्या है? मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइज ए स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं ये पर्टिकुलर ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल्स पे स्पेसिफिक जगह पे कट बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम, इसमें से कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? ऑप्शंस आर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, कैलोजन एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी वन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज, एक रिन्यूएबल मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो ख़त्म होने के बाद में फिर से दोबारा बन सकता है अपने आप, उसका एग्जांपल क्या है? ऑप्शंस आर कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। इसका आंसर है फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो पीरियडिज्म वॉज फर्स्ट कैरेक्टराइज इन, फोटो पीरियडिज्म सबसे पहले जिसमें लिखा गया तो ऑप्शंस आर टोबैको, पोटैटो, टोमेटो एंड कॉटन, आंसर इज डी टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants. ये जो C4 plants होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से photosynthesis करते हैं as compared to C3 plants. क्यों? Because options क्या है पे? Higher leaf area, presence of large number chloroplast in the leaf cells, presence of thin cuticle, lower rate of photorespiration. इसका आंसर हो जाएगा presence of larger number of chloroplast in the leaf cells. C4 plants की leaf cells में ज़्यादा number में chloroplast present होते हैं। Now next question, algae have cell wall made up of, algae की cell wall होती है बनी होती है cellulose की, lectins की, mannose की and hemicellulose की, pectin की, protein की या पेक्टिन सेलुलोज प्रोटीन की या सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वन, बिकॉज एल्गी जो होती है उसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, ग्लेक्टेंस की एंड मानास की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स डेट ग्रो इन हाईली एसिडिक पीएच हैबिट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं, जो मतलब बहुत ही हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट और हैबिटेट में ग्रो करते हैं, वो बिलोंग करते हैं दो ग्रुप्स से। ऑप्शन क्या हैं? यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम्स, प्रोटिसमोसिस, लिवर वॉर्स एंड यीस्ट। इसका आंसर हो जाएगा यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। इसके अंदर बहुत टाइप के बैक्टीरिया होते हैं लाइक थर्मोसिटोफिल्स, हेलोफाइल्स एंड मेथनोजेंस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, ऑप्शंस आर ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस, ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिसीजेज, ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी, एनिमल लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव अ सुपर पावर। इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा ए वन,
जट इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुई है बिकॉज उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग, बिकॉज उसको यूज़ किया जा रहा है ट्रांसजेनिक माउस बनाने के लिए, ताकि वो पोलियो वैक्सीन को ह्यूमन से पहले उन ट्रांसजेनिक माउस में टेस्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंस टू एफिड्स, मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर, रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट्स, आई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन्स क्रिस्टल्स विच किल डेप्टेरन पेस्ट्स, आई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज ये जो बीटी कॉटन है ये हाई यील्ड शो करते हैं और बॉलवॉर्म्स के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड, जो हार्डवुड होती है ये सैपवुड से अलग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, एब्सेंट ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, हैव डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, बीइंग ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C1, बिकॉज हार्डवुड के अंदर डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि सैपवुड में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट DNA इज अ यूजफुल टूल इन, ये जो सैटेलाइट DNA है वो एक तरीके का यूजफुल टूल है किस में? ऑप्शन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, सेक्स डिटरमिनेशन, फोरेंसिक साइंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका आंसर है फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमिलियन ओवम ऑकर्स, ये जो मेमिलियन ओवम का ये जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन है ये कब होता है? ऑप्शंस क्या हैं? शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन, बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू फैलोपियन ट्यूब, अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय ए स्पर्म, अंटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ द ओवम, एंड इन द ग्रेफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B1, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन मेमिलियन ओवम में तब होता है जब तक ओवम जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो जाता है एक स्पर्म से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी में जो सेंट्रल डोगमा है उसे कौन ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करता है? ऑप्शन आर P, म्यूकोर, क्लेमिडियोमोनास एंड HIV। इसका आंसर होगा क्या? HIV। HIV कैसा वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन स्पर्म के लिए सही है? अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को। एक्रोसोम हैज ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पर्चिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग, रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन, एक्रोसोम सर्व एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द ओवम, एक्रोसोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज स्पर्म के अंदर लाइसिन होता है वो जो कि प्रेजेंट होता है एक्रोसोम को वही डिसॉल्व करता है एग के आउटर एनवेलप को, जिससे स्पर्म्स का पेनिट्रेशन हो पाता है ओवम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट, सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दिस, इसमें से ये जो चार स्टेटमेंट हैं ये पूरे दिए गए हैं किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर और हमें इसमें से जो सही स्टेटमेंट है चूज करना है। ऑप्शंस क्या हैं? Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take the immunosuppressant for the long time. ये बिल्कुल सही है। The cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. ये सही है। जब graft rejection होता है तो ये particular cell-mediated immune response ही होता है। B lymphocytes are responsible for rejection of graft. ये wrong है, because graft rejection जो है वो सिर्फ cell-mediated immune system ही show करता है। एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक इंट्रॉन्स, इसका ऑप्शन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड सही हैं बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ऑप्शन आर स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर पोलन ग्रेन्स, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, लार्ज प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर एंड पोलन, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन।
Now next question. DB is a standard abbreviation used for the quantitative abbreviation of expression of options are density of bacteria medium, like a particular pollutant, dominant pestilence in the culture, a certain pesticide. तो इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज DB जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग ए पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी. बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ऑप्शन आर स्टर्टिफिकेशन, नेटेलिटी, मोर्टलिटी एंड सेक्स रेशियो. आंसर इज द स्टर्टिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement about morula in human is correct? इनमें से कौन सा statement human morula के लिए बिल्कुल correct है? It has almost equal quantity of plasma as an uncleaved zygote, but much more DNA. It has a far less plasma as well as less DNA than in an uncleaved zygote. It has a more or less quantity of cytoplasm and DNA as in uncleaved zygote. It has a more cytoplasm and more DNA than an uncleaved zygote. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा D1. Now next question. Coiling of garden pea tendrils around any support is an example. जब garden pea जो tendrils होते हैं, जब कोई support से coiling कर लेते हैं, तो ये example होता है किस चीज़ का. options are thigmotaxic, thigmonasty, thigmotropism and thermotaxic. जो इसका answer हो जाएगा thermotaxic. Next question. Two gases making highest relative contribution to the greenhouse gases are CO2 and CH4, CH4 and NO2, CFC and N2O. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 95 का A. बिकॉज यहाँ पे जो CO2 और मीथेन है, जिन्हें कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, यही मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है काफ़ी बढ़ रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्म, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं किया जाता है. ऑप्शंस क्या हैं? लाइक ग्लोमस, आर्थवर्म, ऑसिलेटोरिया एंड स्नेल. आर्थवर्म तो वैसे भी फार्मर्स का फ्रेंड है. ग्लोमस भी तरीके का बैक्टीरिया है जो फार्मिंग में हेल्प करता है, बट स्नेल जो है किसी भी तरीके से फार्मिंग में हेल्प नहीं करती है. तो आंसर इज स्नेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीर टैंक बायो रिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर. options addition of preservatives of the product, purification of the product, ensuring anaerobic conditions in the culture vessel, availability of oxygen throughout the process. स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर बनाया गया है ताकि उस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बनी रहे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी इज ऑप्शन आर इस्थमस, इनवेंडिबुलम, सर्विक्स एंड एम्पला. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज B1. An improved variety of transgenic basmati rice is. इसका आंसर क्या है? तो ये जो improved variety थी transgenic basmati rice की, उसका main feature क्या था? उसका main feature ये था कि वो बहुत ही high yield देती है और वो बहुत ही rich होती है vitamin A में. आंसर इज दी B1. नेक्स्ट क्वेश्चन, infectious protein are present in Gemini virus, prions, enveroids and satellite virus. सबसे infectious protein जो हैं present होते हैं prions में. ओके गाइस, तो ये जो आज का वीडियो है यहाँ पे एंड होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.